नियरली गॉट डन विद द शॉपिंग। कल वाले ब्लॉग में मैंने बोला था कि ज़्यादा फैंसी नहीं करेंगे, बट वो कुछ ऐसा हुआ नहीं। ऑनेस्टली तो ऐसा लग रहा है दिवाली से ज़्यादा ये क्रिसमस वाले इस पर खर्चा हो गया हमारा। बट हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू आर डूइंग फाइन। वेल, अभी जो दो वीडियोस अपन कर रहे हैं, लेट्स कीप अप द ट्रेंड। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, आगे बढ़ने से पहले डू कमेंट डाउन बिलो हाउ आर यू ऑल फीलिंग टुडे। सो लास्ट वाले ब्लॉग में आपने देखा कि हम लोग ने जाके क्रिसमस ट्री लाया था बड़ी मशक्कत से, बस में घुसा के एकदम काफ़ी मैनर। प्रियंजना ने थोड़ा बहुत यू नो बस वाले को थोड़ा पटा किया, बिकॉज एक्चुअली आते वक्त हुआ क्या था कि हमारे मेट्रो कार्ड में जो पैसे थे खत्म हो गए थे। अभी बस में घुसने के लिए आपको इधर मेट्रो कार्ड में पैसे लगते हैं, फिर आपको लगता है कॉइन्स यूजुअली इन क्वार्टर्स या फिर डाइम्स वगैरह। एंड हम लोग तो इतना कॉइन्स वगैरह रखते नहीं, हर जगह यूजुअली कार्ड होता है। आजकल तो ट्रेन में भी आप बस फोन एप्पल पे वगैरह से टैप करके जा सकते हो। तो फिर वी डेंट हैव द कॉइन्स, नॉट डू हैव कैश इन आर मेट्रो कार्ड्स। एंड वो बस स्टॉप के आसपास के मेट्रो वो भराने वाला स्टेशन नहीं था, मतलब यूजुअली वो हर ट्रेन स्टेशन मतलब सब्वे स्टेशन के पास ही होता है। सो वी वर इन अ फिक्स, हम लोगों के लगा कि अभी एग्जैक्टली करे तो करे क्या। तो उसको जो बस वाला था उसको मैंने रिक्वेस्ट किया, एंड देन बिकॉज आई थिंक हॉलीडे सीजन में था, यूजुअली काफ़ी अच्छे लोग भी मिल जाता है आपको यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी में, तो फिर उसने हम लोग को जाने दिया फ्री में। तो फिर ऐसा काफ़ी सारी यादें जुड़ी है वो वाले ट्री लाने से। सो एनीवेज द ट्री इज़ ओपन, अभी जो एकदम ऐसा सहमा हुआ सा एकदम सिकड़ा हुआ सा ट्री था वो धीरे धीरे खुलने लगा है। एंड टुडे दुर्बा, मैं और साइली, तो साइली इज ऑल्सो हियर ऑलरेडी, एंड ये पीछे हमारा कैंपेन जुनून बोर्ड। तो हम लोग सब जाने वाले हैं आज एक शॉप में जहाँ पे हम लोग अपना दिवाली शॉपिंग करने गए थे, बट वहाँ पे इस बार हम लोग जा रहे हैं अपना क्रिसमस की शॉपिंग करने के लिए। एक प्लान है दिमाग में जिससे पूरा लिविंग रूम अच्छे से सजा सके, तो आई जस्ट होप कि वी कुड एग्जीक्यूट इट वेरी वेल। वैसे टाइम कम है एंड क्यों कम है वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, बट फॉर नाउ लेट्स लीव क्विकली। एंड अभी वो वाला सीजन नहीं चालू गया जिसमें मैं हर वीडियो में आपको शायद टेम्परेचर बताता हूँ, तो आज का टेम्परेचर है 4 degrees एंड द मिनिमम फॉर टुडे इज गोइंग टू बी -1। तो वैसे 4 है बट डिग्री सेल्सियस या नहीं, आप लोग तो सेल्सियस में ही। इट्स एक्चुअली फील्स लाइक -1 ऑलरेडी। 4 degrees फील्स लाइक -1, दैट्स माय काइंड ऑफ वेदर दुर्गा। ये न्यूयॉर्क में विंटर सनसेट देखने का मजा ही कुछ और है। अब देख रहे हो जो लाइट वो बिल्डिंग से पड़ रहा है, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। वैसे ही अगर क्लाउड्स हो तो अलग टेक्सचर आता है, अगर एकदम क्लियर स्काई है तो अलग टेक्सचर आता है। एंड वो जो स्काईलाइन है न्यूयॉर्क का, वो स्काईलाइन में पूरा एकदम गोल्डन आवर में ऐसा पूरा चमकता है, लिटरली शाइन, ऐसा लगता है पूरा गोल्डन हो गया स्काईलाइन। अगर मैं कभी शाम के टाइम पर वो साइड पर गया पियर वगैरह पर, या फिर मैं कभी ड्रोन उड़ाया, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। क्या थीम सोचा तुम लोग ने? गोल्डन एंड रेड। यस, गोल्डन एंड रेड, बिकॉज इनके लिविंग रूम का जो पेंट है ना, दैट इज क्रीमिश कलर, सो उसके ऊपर गोल्डन एंड रेड अच्छा लगेगा। ऑलराइट, सो वही हुआ जो हर बार शॉपिंग करते करते होता है, जहाँ से भी लो वहाँ से ऐसा लगता है कि नहीं कुछ और लेना है, कुछ और वैरायटी चाहिए। स्पेशली ये डेकोरेशन वगैरह की शॉपिंग में ये बहुत होता है। तो अभी यहाँ से हम लोग ने ले लिया, यही जो है D2 डील्स एंड डिस्काउंट्स, उसी का एक हमारे पुराने वाले घर के पास जहाँ मैं दुर्बा और साइली वो वाले एरिया के पास है, एंड दैट स्टोर इज अ लिटिल बिगर। तो फिर हम लोग वहाँ पे अभी उबर लेके जाएंगे, फटाफट वहाँ पे पहुँचेंगे एंड वहाँ से दूसरा कर लेंगे। तो हम लोग ने रेड और गोल्डन थीम डिसाइड किया, राइट? तो गोल्डन मिल गया, कौन आया हमारा? ये नहीं, 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 नहीं। अरे सीआरवी है दुर्बा, आ जाएगा। तो हम लोग ने सोचा है कि गोल्डन और रेड, तो गोल्डन वाला सामान यहाँ से ले लिया, रेड यहाँ पे उतना था नहीं तो रेड वो वाले स्टोर में जाके चेक करेंगे, और अगर वहाँ पे अच्छा होगा तो वहाँ से ले लिया। ठंडी बहुत ज्यादा, इतना भी नहीं है, डोंट -1 ही है, लाइक चिल। तेरे लिए भी यू आर पोलर बेयर। Ready for shopping phase 2? Yes. So that is going to be Durba's charm, जो दुर्बा लगाने वाली है, and मेरा वाला सबसे अच्छा है, सबसे क्यूट है। It's not. Which is this? ये मेरे जैसा दिखता भी है थोड़ा, बस वाइट दाढ़ी कम है मेरे पास। And this is going to be one of Siley's charms. ये और उसका एक और है ना? Oh, oh, oh. Yeah. Oh, oh, oh.
और मेरा दूसरा वाला जब हम सजाएंगे तब आप लोग देखना। ऑलराइट, तो ऐसा हम लोग सब ने अब अपना इंडिविजुअल चार्म लिया है एंड एक सब लोग ने कॉमन चार्म भी लिया, हमें कॉमन बॉल्स वगैरह डेकोरेशन आइटम्स वो लिए है। लाइट ले लिया यहाँ पे, ये पूरा ट्री लाइटिंग एंड देन ऑल्सो अ स्टार दैट गोज ऑन द ट्री। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू गो बैक होम एंड एक्चुअली डेकोरेट द ट्री। आई एम वेरी एक्साइटेड, इट विल बी लॉट ऑफ फन। एक और चीज लेना है बाय द वे, क्या अभी बता नहीं सकते कैमरा पे, क्यों? क्योंकि वो दिखाएंगे ना बाद में। ऑलराइट, सो फाइनली गॉट डन विद द शॉपिंग। कल वाले व्लॉग में मैंने बोला था कि ज़्यादा फैंसी नहीं करेंगे, बट वो कुछ ऐसा हुआ नहीं, काफ़ी फैंसी हो गया, मतलब एकदम तोड़ लेवल फैंसी नहीं, बट आई थिंक टू स्टार्ट विद इट्स क्वाइट फैंसी। एंड ऑनेस्टली तो ऐसा लग रहा है दिवाली से ज़्यादा ये क्रिसमस वाले स्पेश खर्चा हो गया हमारा, बट इट्स ओके, इट्स फाइन, अच्छा लगता है, हॉलीडे सीजन अच्छा लगता है सर। एंड वी आर मिक्सिंग अप विद द वाइब ऑफ द सिटी। यस, तो अभी फाइनली घर पे जाके मिलता है आपको एंड वी विल स्टार्ट डेकोरेटिंग एवरीथिंग as soon as we get home। हमारा शॉपिंग हो गया है एंड बाय द वे वी आर बैक होम, मैं बताना भूल गया शायद। तो प्लान कुछ ऐसा है कि ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर में रहेगा क्रिसमस ट्री, ये टीवी का जो कैबिनेट वगैरह जो भी है ये जाएगा सामने वाले साइड पे, नॉट कैबिनेट टेबल जो भी समझो। एंड यहाँ पे मेरा आइडिया ऐसा है कि मेरे को स्नो जैसा कुछ करना है, सो हम लोग ने वो कॉटन का एक रेडीमेड ऐसा शीट आता है वो लाया, प्लस यू हैव गॉट सम एक्स्ट्रा स्नो ऑल्सो, स्नो एज एन लाइक कॉटन बॉल्स ऑल्सो, तो फिर वो हम लोग थोड़ा लगा के वी विल मेक इट अ लिटिल मोर स्नोई और फिर ट्री यहाँ पे जाएगा। और मेरा ऐसा प्लान कि वो जो स्नो है उसके पीछे आई वॉन्ट टू पुट सम लाइट्स ताकि वो एकदम ऐसा लिट अप दिखे, जो स्नो जैसा दिखेगा वो। सो ऐसा फिलहाल आइडिया है, गोइंग टू क्विकली स्टार्ट डेकोरेटिंग द स्ट्रीट, लेट्स सी धीरे धीरे बनके वो कैसा बनता है इन द एंड। लाइट का जो पहले सेटिंग है वो कर रहे हैं, इसके ऊपर आएगा स्नो ब्लैंकेट, तो ऐसा लगेगा कि वो जो स्नो ब्लैंकेट है उसके पीछे से लाइट आ रहा है, व्हिच इज लुक वेरी प्रिटी। वो लाइट के ऊपर चला गया, लाइट सेटअप तो रेडी है, अभी ये जो सर स्नो ब्लैंकेट जो भी है ये अपन लगाने वाले हैं, तो एंड टू पुट ऑन द लेफ्ट साइड फर्स्ट, इसके बाद राइट साइड एंड देन बाद में, और अपने पास कॉटन भी है तो वील ऐड दैट कॉटन, तो फिर वो थोड़ा और ऐसा स्नोवी और एकदम ऐसा बादल जैसा लगे बिल्कुल भी। तो या अभी तक बहुत मज़ा आ रहा है, इट्स अ लिटिल टाइम कंज्यूमिंग, बट इन दी एंड जो मैंने विजुअलाइज किया है वो एकदम तोड़ तरीके से निकल के आने वाला, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ इट लुक्स आफ्टर वी हैव पुट द कॉटन अप, और एकदम ऐसा ब्राइट और थोड़ा ऐसा मस्त वाला कलर दे रहा है। एक्चुअली कैमरा में उतना अच्छा लग नहीं रहा है, बट इट इज एक्चुअली मल्टी कलर, कैमरा में सिर्फ येलो कलर दिखा, आई डोंट नो व्हाई, बट अभी ये पीछे बैकग्राउंड जो है वो रेडी हो गया, सेंटर वाला जो है वो अभी तक करना है, बट नाउ वी आर गोइंग टू लाइट अप द ट्री, जिसमें और भी ज़्यादा मज़ा आएगा बिकॉज हमने काफ़ी सारे लाइट्स लेके आए हम लोग। तो या सो फार सो गुड। और तो ट्री तो अपने पीछे रेडी हो रहा है, थोड़ा और अच्छे से रेडी होने तो फिर दिखाता हूँ आपको, इसलिए मैंने अपने आप से ट्री को जो है कवर करके रखा है, बट दिस इज़ द ट्री ऑर्नामेंट, मतलब जो जो एकदम बिल्कुल ऊपर जाएगा, दिस इज़ इट। तो मैं आपको सबसे पहले इसको खोल के दिखाता हूँ, ये जो है बिल्कुल ही प्यारा सा एक स्टार, तो ये जाएगा अपने ट्री के बिल्कुल भी ऊपर। ऑलराइट, सो अपना क्रिसमस ट्री जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है, मैं थोड़ा ब्रेक ले रहा था मैंने, बट साइली ने और गुलजार ने वगैरह सब मिलके बहुत ही अच्छे से सजाया है एंड प्रियंजना इज वेरी बिजी टुडे बिकॉज कल से अपना वोटिंग लाइन चालू हो रहा है, सो प्रियंजना बहुत ही एकदम मूड में चली गई है प्रेसिडेंट बनने के। यस, आई थिंक प्रियंजना पार्टी की तैयारी कर रही है कि मुझे पार्टी कहाँ देनी है जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगी। एनी वेज, चलो मैं आपको दिखाता हूँ लिटिल स्नीक पीक ऑफ, स्नीक पीक मतलब जो भी है जितना भी रेडी है अभी, बाकी इसमें थोड़ा और धीरे 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 करके हम लोग इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं, जो कि आप आने वाले, यस, जो कि आप आने वाले व्लॉग में देखोगे, बट अभी तक जितना रेडी उतना मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लाइट बंद कर दे पहले, ये सब बहुत कुछ है जो जाना बाकी है, और ये अपना बर्फ जैसा है वो भी जाना बाकी है। यस, is sleeping, all is peace, and I'm still hanging. तो आज के ब्लॉग के लिए आपको बस इतना ही दिखाऊंगा, बाकी जो है वो आने वाले ब्लॉग्स में धीरे धीरे आपको दिखाता रहूंगा। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, प्रियंजना इज बिजी, दुर्गा अपना असाइनमेंट कर रही है, तो बस मैं और सैली ब्लॉग एंड करेंगे एंड सैली ऑल्सो हैज टू गो बैक टू होम एंड वैसे भी बाहर का टेम्परेचर हो गया 2 degrees। हाँ, बहुत ठंड, बहुत ठंड। सो एनीवेज, आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा जरूर लाइक कर देना एंड डू कमेंट डाउन बिलो कि हमारा जो बेसिक सा क्रिसमस ट्री डेकोरेशन है वो आपको कैसा लगा। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स, इफ यू हैव एनी एडवाइस जो हम लोग अभी थोड़ा बहुत इंप्रोवाइज कर सकते हैं तो डू लेट मी नो, तो अपन अगर बताओ, यस, तो अपन कुछ ना कुछ देख लेंगे, अगर हो सके तो जरूर करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग गाइज, ऑल्सो डू फॉलो माय इंस्टाग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। नेक्स्ट व्लॉग कहाँ होगा
वो आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा, और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ वो भी अगले ब्लॉग में पता चलेगा. तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, पीस आउट.